आपके अनुसार क्या लगता है, जो डॉक्टर अंबेडकर जी का विचारधारा है और जो हमारे देवी देवताएं हैं उनकी विचारधारा है, किससे हमारा समाज का भला हो सकता है? मान लीजिए कि हो गया बच्चों से इस कमेटी से, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अंबेडकर जी का नाम दुर्गा पूजा समिति में ऐड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बाबा साहब का विचार कुछ अलग है और दुर्गा पूजा जो मनुस्मृति स्थापित किए हैं उनका ये विचार है कि भाई धूप जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, घी का बर्बादी करो और पूजा पाठ करो, ये मनुवादियों की सोच है। और मनुवादियों की सोच को जब तक हमारा समाज पकड़ेगा नहीं, जब तक हमारा समाज समझेगा नहीं कि एक्चुअल में पूजा करने से हमारा घाटा है या फायदा है, तब जाकर के ये आंखें खुलेंगी कि नहीं, एक्चुअली में शिक्षा ग्रहण करना ही हमारा सबसे प्राथमिकता। पूजा पाठ से आप दूर रहो, पूजा पाठ आपका भला करने वाला नहीं है। शुरुआती दौर से हम ये समझाते आ रहे हैं, लेकिन लड़के हैं, बच्चे हैं, ये कहते हैं कि नहीं उधर रखा रहा है तो इधर भी रखाएगा। एक कंपटीशन का भी मार्केट है, तो लोग रख रहे हैं, अपना आस्था है। आस्था के विषय पे हम लोग नहीं, बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया है कि भाई जो भी जो धर्म को मानना चाहता है वो मान सकता है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से अपने युवाओं को, अपने गांव के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भाई पूजा पाठ में आपका कुछ मिलने जाने वाला नहीं है, आप शिक्षा की तरफ बढ़िए, कलम की तरफ। दोस्तों नमस्कार, मैं मंगलजीत और आप देख रहे प्रकाश इंडिया। अभी हम वर्तमान मौजूद हैं भोजपुर जिला के अगिया बाजार पे। हम लोग बौद्ध विहार कड़सर से रिपोर्टिंग करके आ रहे हैं। रास्ते में देखा कि आप देख सकते हैं पोस्टर जो है, पोस्टर पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर दुर्गा पूजा समिति, अंबेडकर चौक अगिया बाजार। आप सभी ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता है। और इसके बगल में आप देख सकते हैं दुर्गा पंडाल भी वहां पर स्थापित है। तो दोस्तों जैसे ही हमारे नजर जो है इस पर पड़ी तो हमारा मन में कुछ ख्याल आया और सोचा कि कुछ लोगों से हम बातें करें। इसमें आप नाम भी देख सकते हैं, अखिलेश उर्फ खेसारी जी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष रवि प्रसाद जी हैं, सचिव दिनेश प्रसाद, कोषाध्यक्ष धीरज कुमार, उप कोषाध्यक्ष दीपू पासवान हैं। तो इससे आपको स्पष्ट हो रहा है और बहुत सारे टाइटल से आप समझ सकते हैं कि कौन सा समाज के लोग हैं, या कहिए कि पासवान समाज के या रविदास समाज के, आप इससे स्पष्ट लगा सकते हैं। हमारे साथ सनी जी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या कारण है कि आप लोगों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्लब के माध्यम से आपने समिति का नाम रखा। सबसे स्वागत है आपके चैनल से। मैं तमाम श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही जो ये दुर्गा पूजा समिति के नाम से इन्होंने पोस्टर छपा, कैसे मन में आया कि मन की बात नहीं है सर। देखिए एक्चुअली क्या है कि पीछे से ही लोग, हमारे जो पूर्वज थे जो पहले से, मतलब 2-3 साल पहले से उन्होंने इस तरीके का नाम नहीं रखा था, उन्होंने रखा था डॉक्टर, ये चूंकि अंबेडकर चौक है तो अंबेडकर चौक है, तो दुर्गा पूजा मतलब इस तरीके से नाम नहीं, नामकरण नहीं हुआ था अभी तक। कितने सालों से अंबेडकर चौक को दो तीन साल से लगभग मतलब स्थापित किया गया। अंबेडकर चौक तो बहुत दिनों से स्थापित है, कम से कम कितने सालों का? लगभग मैंने हमारे दादा परदादा के नाम से ही अंबेडकर चौक चला रहा है। तो उसमें था कि पिछली बार था कि भाई दुर्गा अंबेडकर चौक दुर्गा पूजा समिति, मतलब अंबेडकर चौक के पास हम लोग दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं। और लोगों का फर्स्ट टाइम मैं अपना परिचय बता दूं, मैं भीम आर्मी का जिला प्रभारी हूं। और हमारा ही गांव है, हमारा ही मोहल्ला है, हमारे ही सारे बच्चे हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं पोस्टर में मिस्टेक हो गया हो, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने समाजों को शिक्षित शुरू से ही करते आ रहे हैं, ये पूजा पाठ से आप दूर रहो, पूजा पाठ आपका भला करने वाला नहीं है। शुरुआती दौर से हम ये समझाते आ रहे हैं, लेकिन लड़के हैं, बच्चे हैं, ये कहते हैं कि नहीं उधर रखा रहा है तो इधर भी रखाएगा। एक कंपटीशन का भी मार्केट है, तो लोग रख रहे हैं, अपना आस्था है। आस्था के विषय पे हम लोग नहीं, बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया है कि भाई जो भी जो धर्म को मानना चाहता है वो मान सकता है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से अपने युवाओं को, अपने गांव के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भाई पूजा पाठ में आपका कुछ मिलने जाने वाला नहीं है, आप शिक्षा की तरफ बढ़िए, कलम की तरफ बढ़िए। बाबा साहब ने जो दरवाजा दिखाया कि मंदिर में घंटी बजाना है सुबह उठ के, या स्कूल का दरवाजा खोलना है, तो ये आपको तय करना है। तो इसमें हम ज्यादा विशेष नहीं कहेंगे, क्योंकि भूल से मान लीजिए कि हो गया बच्चों से इस कमेटी से, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अंबेडकर जी का नाम दुर्गा पूजा समिति में ऐड नहीं करना चाहिए था,
चूंकि बाबा साहब का विचार कुछ अलग है और दुर्गा पूजा जो मनु स्मृति स्थापित किए हैं उनका ये विचार है कि भाई धूप जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, घी का बर्बादी करो और पूजा पाठ करो, ये मनुवादियों की सोच है। और मनुवादियों की सोच को जब तक हमारा समाज पकड़ेगा नहीं, जब तक हमारा समाज समझेगा नहीं कि एक्चुअल में पूजा करने से हमारा घाटा है या फायदा है, तब जाकर के ये आंखें खुलेंगी कि नहीं, एक्चुअली में शिक्षा ग्रहण करना ही हमारा सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। तो बस यही बात कहेंगे। कितने सालों से अंबेडकर क्लब के माध्यम से? ये तो सर बहुत सालों से आ रहा है, पूर्वज हम लोग बच्चे थे, हम लोग भी बहुत संभाले, दुर्गा पूजा। हाँ, बहुत पहले से ही हो रहा है, क्योंकि कुछ कारण है, राजनीतिक कारण भी हो सकता है और एक आस्था भी हो सकता है। और खास राजनीतिक कारण भी? नहीं, राजनीतिक कारण तो कुछ नहीं है, राजनीतिक कारण तो मुझे समझ में नहीं आता कि अब तक कोई राजनीतिक कारण है। कंपटीशन है। हाँ, एक है बाजार है कि यहाँ मेरा खा रहे हैं तो उधर भी है। अभी दो तीन जगह आप मार्केट से निकलिएगा तो तीन जगह मूर्ति का आयोजन किया गया है। तो एक इस तरीके से भी बात है कि भाई चलिए फलानवा रखा था तो हमनियों का रखा जाओ, मैंने इस तरीके का बात है। और कोई आस्था का, मेन आस्था का विषय कहीं कुछ नहीं दिखता है। ये है कि बस मूर्ति है अपना, चार पाँच दिन रखना है, आठ दिन रखना है, भसान करना है, नाचना है, गाना है, काम खत्म है, और बस यही बात है। आपके अनुसार हम ज्यादातर लड़कों को देखे कि उनके बैच पर डॉक्टर वी आर अम्बेडकर क्लब का जो लोगो लगा हुआ है, उसके बाद में हम लोगों से जानना चाहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कुछ बताइए। तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर, देखिए कोई ऐसी सोच नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी लिख देना, कोई मतलब आगे पीछे का कुछ सोच नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे एक वर्ड लिख रहे हैं। यहाँ पे पासवाने चौक लिखा है तो जरूरी थोड़ी है पासवाने चौक है, जादव जी जालन, चमारो जी जालन, अहिरो जी जालन, तो जरूरी नहीं है कि ये पासवान, मतलब लिखने के पीछे इनका कोई मोटिव नहीं है, बस ऐसे ही आया कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर पूजा समिति लिख दिए तो लिख दिए। भीम आर्मी के आप जिला प्रभारी हैं और आप समझाते नहीं हैं? अरे समझाने को समझाए ना भाई, अपना घर ही पहले समझ जाए तब ना। समझाते हैं लोगों को, नहीं समझते हैं भाई, छोड़ो सनी भैया कहा था हम अपन काम करके हम निकल हो गया, यही बात है। समझाने के बावजूद भी हमारे तो भाई कैडर क्लासेस भी लगती हैं, तो उस क्लासेस में लोग आए समझें हमारा हक हुकूक क्या है। अभी आप यहाँ पे अगर प्रसाद मिल रहा है, मान के चलिए प्रसाद नहीं मिलेगा तो यहाँ झगड़ा हो जाएगा एक आदमी को, लेकिन उसी आदमी के छोटे बच्चे का एडमिशन अगर राय इस प्राथमिक विद्यालय में नहीं होता है, एक बार प्रिंसिपल डांट के भगा देती है तो वो दोबारा नहीं जाता है कहने के लिए कि हमारा एडमिशन कहाँ नहीं हुई। तो जहाँ हक अधिकार है वहाँ हमारा समाज अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे बहुत सारी अभी भी अशिक्षा की कमी है। हमारा समाज ऐसा नहीं है, लोग कह रहे हैं कि रविदास समाज अभी पीछे है, पासवान समाज थोड़ा आगे बढ़ गया है। है, जिसके पास पैसा है वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन वही पैसे वाले, वही पूंजीपति हमारे जो पीछे समाज है उसको आगे लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हम पीछे हैं। आपके अनुसार क्या लगता है, जो डॉक्टर अम्बेडकर जी का विचारधारा है और जो हमारे देवी देवताएं हैं उनकी विचारधारा है, किससे हमारा समाज का भला हो सकता है? देखिए हम तो यही कहेंगे, भीम आर्मी के जिला प्रभारी होने के नाते और इस समाज के एक युवा होने के नाते, पढ़े लिखे युवा होने के नाते यही है कि बाबा साहेब के विचार से ही आपका उद्धार, सब कुछ जो भी है वो हो सकता है, ना कि इस मिनी स्मृति से गढ़े हुए दुर्गा के विचारों से हो सकता है। अच्छा क्या है दुर्गा में, हमको बताइए ना, क्या है दुर्गा में? आप लोग पूजा करें, आप लोग जानेंगे। नहीं नहीं, इतिहास अपने हम, मैं नहीं हूँ, लोगों से पूछिए जो दुर्गा पूजा का अध्यक्ष होंगे, यार क्या मिलता है दुर्गा, दुर्गा का इतिहास पढ़िए कौन है, भस्मासुर का इतिहास पढ़िए कौन है, तब ना पता लगेगा भाई। अभी बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि दुर्गा के ब्याह निके भैया सिंदूर कहाँ से करे ली, तो मर्द के है भाई तो पोते निके, यही ना बात। बहुत सारी बातें हैं इस तरीके की, लोगों को जानकारी जरूरी है। हाँ, लोगों को जानकारी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि पूर्वज वही वाली कहानी बिल्ली और डंटा वाली, पहले जानो तब मानो। हाँ, पहले जानो तब मानो, तो भैया जानते हैं नहीं, अब क्या कहे कि दिमाग में बैठा हुआ है, पूर्वज पूजा करते हुए आ रहे थे तो हम भी करेंगे, हम क्यों करेंगे भाई, पहले पूर्वज हमारे अशिक्षित थे, हम शिक्षित हुए हैं तो हम पढ़ेंगे जानेंगे तब ना आगे बढ़ेंगे। पहले गुरुवारी भी करते थे। हाँ बिल्कुल, पहले तो मजदूरी भी करते थे, आज तो नहीं कर रहे हैं, आज अपनी जमीन है, मोबाइल भी हाथ में नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, पैंट भी नहीं था, आज तो आपके पास सब कुछ लगभग लगभग आ गया है, धोती पहनने के लिए आ गया,
या पैंट पहनने के लिए आ गया, उस व्यवस्था को बदलना होगा समय के अनुसार। बिल्कुल बदलना होगा, बिल्कुल बदलना होगा। और मैं उन नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ जो इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं, खास करके हमारे समाज के लोग जो बहुजन दलित अकलियत समाज के लोग हैं, वो अगर इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं तो भैया अभी आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने समाज को अंधेरे में ले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी आपके अंधेरे में रहेगी। शिक्षा अब जरूरी है समाज। बिल्कुल बिल्कुल शिक्षा जरूरी है सर, बिना शिक्षा के कुछ किसी को कुछ नहीं मिला। बाबा साहब शिक्षा के बदौलत ही आज इतने बड़े व्यक्ति होकर के संविधान हमारे हमारे माता पिता है, हमारे पिता है। लोग एक दिन हम गए थे अम्बेडकर आपका जुलूस निकालने के लिए, तो उसमें थाना प्रभारी कह रहा है कि भाई परमिशन नहीं है। हम बोले भैया हमारे बाबा साहब हमारे पिता है और उनका बर्थडे मनाने के लिए हमको आपके परमिशन की जरूरत नहीं है, हम अपने निकालेंगे, तुमको रोकना होगा तुम रोक लेना, और निकालते हैं हम लोग हर साल। तो इस तरीके से अपने समाज को समझना होगा कि बाबा साहब हमारे कौन थे, उनको पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। जो नहीं पढ़ रहे हैं बस ऐसे ही घूम रहे हैं, और भी जय भीम करने वाले भी लोग हैं, यही लोग जय भीम में भी सबसे ज्यादा शामिल होते हैं। 14 अप्रैल को खूब करते हैं जय भीम, जय यही सब शामिल होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। लेकिन दुर्गा विचारधारा को नहीं लेकर, हाँ उनका विचार विचार को नहीं लेकर चलते हैं। विचार को सर, विचार को उतारना पड़ेगा धरातल पे, अपने 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 जहन में लेना पड़ेगा, तब जा करके हम लोग ओरिजिनल बाबा साहेब के अनुयायी कहला पाएंगे और अनुयायी कहने के लायक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सनी जी थे जो कि जिला प्रभारी हैं भीम आर्मी के, भोजपुर जिले के प्रभारी हैं, और इन्होंने जो बातें कही कि हमारा जो विचारधारा है अंबेडकरवाद का है और अंबेडकरवाद से ही हमारा समाज का भला हो सकता है। आप लोग इस तरह इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।